वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। झारखंड के एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट दी गई है। चिराग पासवान के एलजेपी को चतरा सीट मिली है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी आजसू जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी बेटी रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए, इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं सुरेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा, आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे, चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे। और इंडी गठबंधन के ये एमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली जहां से आजसू लड़ेगा, रामगढ़ आजसू लड़ेगा, गोमिया आजसू लड़ेगा, ईसागढ़ आजसू लड़ेगा, मांडू आजसू लड़ेगा, जुगसलाई आजसू लड़ेगा, दुमरी आजसू लड़ेगा, पाकुड़ आजसू लड़ेगा, लोहारदगा आजसू लड़ेगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। सो अभी तक जब हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार यही 10 सीट में घोषित करें।